हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल लर्निंग एंड स्पीकिंग, जहां आप आसानी से इंग्लिश को सीख कर बोल सकते हैं। नाउअडेज चिल्ड्रंस आर ऑल कंफ्यूज्ड इन वेयर दे आर यूजिंग दिस दैट दोज एंड दीज, एंड पेरेंट्स इज आल्सो ट्राइंग टू एक्सप्लेन इट वेयर दे यूज्ड दिस दैट दीज दो। माय वीडियो इज बिलोंग टू दैट, सो वी स्टार्ट दैट meaning and use of this, that, these, those. Use of this, meaning of this is यह, इस, ये. This is used in present tense and past tense. It is used for any one person or thing that is nearby. This का प्रयोग, this का मतलब यह, इस, ये होता है। दिस का प्रयोग प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस में किसी भी एक व्यक्ति या वस्तु के लिए किया जाता है जो कि पास हो। फॉर एग्जाम्पल, यह मेरा पर्स है, दिस इज माय पर्स। यह एक हाथी है, दिस इज एन एलिफेंट। यूज ऑफ दैट, मीनिंग ऑफ दैट इज वह, उस, वो। That is used in present tense and past tense. It is used for any one person or thing that is far. That का प्रयोग, that का मतलब वह, उस, वो होता है। That का प्रयोग present tense और past tense में किसी भी एक व्यक्ति या वस्तु के लिए किया जाता है जो कि दूर हो। For example, वह मेरा कॉलेज था, That was my college. वह एक चर्च है, That is a church. Use of these, meaning of these is ye, in, you. These are used in present tense and past tense to represent a number of person and object. It only shows nearby person and objects. दीज का प्रयोग, दीज का मतलब ये, इन, यो होता है। दीज का प्रयोग प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस में बहुत सारे व्यक्तियों और वस्तुओं को दर्शाने के लिए किया जाता है। यह केवल पास के व्यक्तियों और वस्तुओं को दर्शाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये सारे विद्यार्थी अच्छे हैं, ऑल दीज स्टूडेंट्स आर गुड। ये सारी टेबल बहुत गंदी है, ऑल दीज टेबल्स आर वेरी डर्टी। यूज ऑफ दोज, मीनिंग ऑफ दोज इज वो, उन, वे। दोज आर यूज्ड इन प्रेजेंट एंड पास्ट टेंस फॉर डिस्टेंट पर्सन और ऑब्जेक्ट। दोज का प्रयोग, दोज का मतलब वो, उन, वे होता है। दोज का प्रयोग प्रेजेंट और पास्ट टेंस में दूर के व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वे सब मेरे दोस्त हैं, दोज ऑल आर माय फ्रेंड्स। वे सब मेरे साथ पढ़ते थे, दोज ऑल स्टडीड विद मी। यूज ऑफ देयर, मीनिंग ऑफ देयर इज तुम, हम, वहाँ। वेन एवर एनी पर्सन और थिंग शोज द प्रेजेंस ऑफ एनी पर्सन, वी यूज देयर फॉर प्रेजेंट। देयर इज नो एक्शन ऑफ एनी काइंड इन इट। देयर मीन्स वहाँ, बट हेयर वी मीन इट, यूज इट इन टू वेज। फर्स्ट इज फॉर अपीरियंस, सेकेंड इज फॉर देयर। But the meaning of both is to show the presence. There का प्रयोग, there का मतलब तुम, हम, वहाँ होता है। जब कभी भी कोई भी व्यक्ति या वस्तु किसी भी व्यक्ति की उपस्थिति दर्शाता है तो हम वहाँ प्रेजेंट के लिए there का प्रयोग करते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की क्रिया नहीं होती है। There का मतलब वहाँ भी होता है, परंतु यहाँ हम इसका प्रयोग दो रूपों में करते हैं। फर्स्ट उपस्थिति के लिए, सेकंड इज वहाँ के लिए।
परंतु दोनों का अर्थ उपस्थिति दर्शाना ही होता है। यूज ऑफ देयर इन प्रेजेंट टेंस। फॉर एग्जाम्पल, इस कमरे में 10 बच्चे हैं। देयर आर 10 स्टूडेंट इन दिस रूम। वहाँ कोई नहीं है। देयर इज नो वन। क्या इस ऑफिस में टीवी है? इज देयर टीवी इन दिस ऑफिस? क्या तुम्हारी जेब में चाबी नहीं है? इज देयर नो की इन योर पॉकेट? इन एग्जाम्पल में देयर का प्रयोग इन अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस में दिया गया है। यूज ऑफ देयर इन पास्ट टेंस। फॉर एग्जाम्पल, वहाँ कोई था। देयर वॉज समवन। उस स्कूल में कोई टीचर नहीं था। देयर वॉज नो टीचर इन द स्कूल। क्या स्कूल में बच्चे थे? वेयर देयर चिल्ड्रंस इन स्कूल? क्या क्लास में कोई बच्चा नहीं था? वॉज देयर नो स्टूडेंट इन द क्लास? यह सभी अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस के उदाहरण है। यूज ऑफ देयर इन फ्यूचर टेंस। फॉर एग्जाम्पल, क्लास में कई बच्चे होंगे। देयर विल बी मैनी चिल्ड्रंस इन क्लास। अब कोई रास्ता नहीं होगा। देयर विल बी नो वे। क्या आकाश में कोई पतंग होगी? विल देयर बी एनी काइट इन द स्काई? क्या स्कूल में कोई स्टाफ नहीं होगा? विल देयर बी नो स्टाफ इन द स्कूल? यह सभी अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस के उदाहरण है। मेरे चैनल के पिछले वीडियो जो जिसमें कि मैंने टेंसेस के बारे में बताया है, विल हैव, शैल हैव के प्रयोग के बारे में बताया है, विल बी, शैल बी के प्रयोग के बारे में बताया है, टाइम के प्रयोग के बारे में बताया है, अगर आप मेरे बताए गए सभी रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए सीखते हैं, इंग्लिश को सीखते हैं, तो आप इजीली डेली वेज में इंग्लिश को आसानी से बोल पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। मेरे आगे आने वाले वीडियो में हम सीखेंगे व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ आर्टिकल्स इन इंग्लिश। अगर आप मेरे बताए गए वीडियो से कुछ सीख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए, आप कुछ पूछना चाहें तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।